दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट 9 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर आप बाबर आजम को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 साल बाद पाकिस्तान में सीरीज खेली जा रही है। आपको बता दूं अभी तक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। दोनों ही टेस्ट मैच में भरपूर रोमांच देखने को मिला। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक शानदार और ऐतिहासिक पारी खेलकर इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम ने 196 रन बनाकर पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में हार से बचा लिया, जबकि मोहम्मद रिजवान ने भी एक शानदार शतकीय पारी खेली। दोस्तों दोनों टीमों के बीच आखिरी टेस्ट मैच 21 मार्च से खेला जाएगा, जिसके बाद भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगी, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपने 20 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें मोहम्मद हारिस और आसिफ आफरीदी को शामिल किया गया है। आपको बता दूं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच 29 मार्च को रावलपिंडी में खेला जाएगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट आप Sony 6 पर देख सकते हैं। आपको बता दूं ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। चलिए अब नज़र डालते हैं पहले वनडे मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, जिसमें इमामुल हक और फखर जमान पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि नंबर 3 पर खेलेंगे कप्तान बाबर आजम, नंबर 4 पर अब्दुल्ला शफीक, तो वही नंबर 5 पर खेलेंगे हैदर अली, जबकि नंबर 6 पर खेलते दिखेंगे पहली बार टीम में शामिल किए गए मोहम्मद हारिस। ऑलराउंडर में नंबर 7 पर खेलेंगे शादाब खान, नंबर 8 पर मोहम्मद नवाज, बाकी 3 तेज गेंदबाजों में हसन अली, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर खेलेंगे।